हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर रुचिका गर्ग। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि फीटल मूवमेंट काउंट करना है तो वो कब और कितना होना चाहिए और हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो जनरली डॉक्टर्स जो है लास्ट ट्राइमेस्टर में 28 हफ्ते के बाद आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आपको बेबी के फीटल मूवमेंट्स को काउंट करना है। और कभी भी अगर आपको अपने पैटर्न में बेबी के फीटल मूवमेंट्स पहले से अगर कम हो रहे हैं या फिर फीटल मूवमेंट्स अब बंद हो गए हैं या उनका पैटर्न कुछ चेंज हो गया है या पहले बहुत जल्दी जल्दी होते थे अब थोड़े लंबे समय पे होने लग गए हैं तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो इसके लिए कार्डिफ काउंट ऑफ 10 होता है। इसमें आइडियली मतलब जनरली क्या होता है कि 2 घंटे में हमारे फीटल मूवमेंट्स 10 फीटल मूवमेंट्स तक हो जाते हैं नॉर्मली। तो जनरली ऐसा होता है कि जब हमारा ब्लड शुगर बढ़ा होता है यानी खाना खाने के बाद बेबी ज़्यादा एक्टिव होता है। ऑब्वियसली बेबी को भी प्लेसेंटा के थ्रू खाना मिल जाता है। तो आप एक अपना पर्टिकुलर टाइम बना लें कि इस समय मैं फ्री रहती हूँ तो मैं इस समय खाना खाने के बाद 1 घंटे में अपने फीटल मूवमेंट्स को काउंट करूँगी। और एक DFMC चार्ट डेली फीटल मूवमेंट काउंट का पेपर भी डॉक्टर आपको दे देते हैं कई बार कि आप उस पर नोट कीजिए कि आपको कब फीटल मूवमेंट हुआ। एवरी टाइम यू फील अ टिक, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप उसको टिक करते रहिए। कभी कभी क्या होता है कि डेली एक्टिविटीज़ में हम इतना मशहूर होते हैं, अपने बिजी रहते हैं कि वी आर नॉट एबल टू मेक आउट कि कब फीटल मूव करा। तो ऐसा हमारा जनरली रात के समय ही फिर नज़र पड़ती है कि फीटल मूवमेंट हो रहे हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि फीटस जो है उनकी सबकी एक स्लीप साइकिल होती है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो किसी किसी फीटस की नाइट में ज़्यादा मूवमेंट होती हैं। तो फीटल मूवमेंट के लिए आपको लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में आइडियली सोना चाहिए, यानी कि उल्टे हाथ की करवट सोएं। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है, उसमें बेबी को ऑक्सीजन ठीक से मिलता है। और अगर 12 घंटे में अगर आपको 10 से कम फीटल मूवमेंट हो तो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट कीजिए। यानी कि पूरे दिन में 12 घंटे में अगर आपको 10 या उससे कम फीटल मूवमेंट हो तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और जनरली 28 हफ्तों के बाद आप फीटल मूवमेंट काउंट रखिए। और जब कभी भी आपको बेबी के मूवमेंट्स कम हो रहे हों या नहीं हो रहे हों तो इट कुड बी ए डेंजर साइन ऑल्सो। कभी कभी इंट्राउटराइन फीटल डेथ भी हो जाती है, लेकिन कब भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा बेबीज़ वूम में बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की कमी से या किसी की कमी से एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो इसके अलावा और भी तरीके होते हैं जिससे कि हम फीटस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक नॉन इन्वेजिव और चीप तरीका है। सिर्फ मदर को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और जैसे कि अल्ट्रासाउंड है या NST है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, उसके लिए एक मशीन होती है, उसकी प्रोब्स 2 डॉक्टर आपके पेट पे रखेंगे और उसमें ECG की तरह ट्रेसिंग निकल आती है। तो उसमें भी फीटल मूवमेंट्स का और फीटल हार्ट रेट का पता चल जाता है, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशंस हैं कि नहीं है, बढ़ रही है फीटल मूवमेंट के साथ हार्ट रेट। और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, उसमें हमें पता चल जाता है, उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं कि बेबी को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब तो बात की बात है। पहले जो मोस्ट हमारे को घर में अवेलेबल है तो डेली फीटल मूवमेंट काउंट आप करने की लास्ट ट्राइमेस्टर में आखिर के तीसरी तिमाही में ज़रूर आदत होनी चाहिए। एंड यू शुड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स सो दैट ऑल आर इन्फॉर्म्ड। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।